गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। आप ये देख रहे हो कि ये मेरा किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, फ्रूट्स के छिलके, ये सब गार्डन वेस्ट है ना। तो मैं आपको एक नए स्टाइल में प्लांट लगाना सिखाती हूँ। अगर आपके पास ये गार्डन वेस्ट है, ये मेरी सेमी बहुत अच्छी तरह से चली भी थी, मगर अभी सेमी का सीजन नहीं है तो माहू बहुत आ गई थी उनमें और एक भी सेम साबित नहीं थी। तो मैंने सारे प्लांट निकाल दिए, तो मैं इसे इसमें भी डाल दे रही हूँ, है ना। इसी भी इसमें ही डाल के और मैं आपको बताती कौन से तरीके से हम लगा सकते हैं। अब आप, ये मेरा पूरा भर गया है कंटेनर, मतलब ये गत्ता। अगर आपके पास गमले नहीं हैं, मिट्टी कम है, तो भी आप इस तरह से प्लांट लगा सकते हो, है ना। और बहुत कम मिट्टी में, अब थर्ड फ्लोर पर है, मिट्टी इतनी नहीं ला सकते हैं, है ना। ये मेरा जो प्लांटर है ना, ये मैंने फैब्रिक से बनाया था, तो इसकी हालत देख रहे हो आप, एक साल में इसकी हालत इतनी बुरी हो गई है। इसलिए मैं सजेशन नहीं देती हूँ कि आप ये फैब्रिक का और सीमेंट का गमला बनाए। ये देखिए, ये फैब्रिक है, ये फैब्रिक, कहाँ से देखिए, और ये तो ये फैब्रिक और सीमेंट के गमले बेकार हो जाते हैं। अब इसके ऊपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऊपर कुछ सूखे पत्ते भी डाल देंगे हम, है ना। मैंने कुछ नीचे गार्डन नीचे भी सूखे पत्ते डाले हैं और ये कुछ ऊपर ही पत्ते डालेंगे, ठीक है, इस तरह से, ऐसे। और ये बहुत अच्छा तरीका है, आप ट्राई कर सकते हो घर में अपने। बस इतने ये रखना पड़ेगा इतना ध्यान, ये आपको एक पॉलिथीन बैग आपको लगाने होंगे। ये मेरा शॉपिंग बैग का आया था, ये देखो है, ये शॉपिंग बैग ऑनलाइन बैग आया था, वो मैंने इसमें लगा दिया है। और ये इसी के साथ में ये रैप किया हुआ था, ये तो ये मैंने लगा दिया है। तो ये तो आम घरों में मिल ही जाता है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर मैं इसमें मिट्टी डालती हूँ तो ये नीचे डिकम्पोज होके नीचे बैठ जाएगा और फिर ये इतना हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब मैं इसमें अगर मिट्टी डालूँगी तो बिल्कुल नीचे पहुँच जाएगी। तो अब हम इसमें करेंगे क्या, इसमें हम डालेंगे ये मोटी मोटी लकड़ियाँ इस तरह से, ऐसे इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, ऐसे ऐसे, है ना, इस तरह से। तो ये हम अगर इसमें पानी वगैरह डालेंगे और बेस्ट डिकम्पोजर मैं तो डालती हूँ, तो ये सारा नीचे बैठने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से हम लकड़ी लगाएंगे ऐसे, अगर बड़ी बड़ी लकड़ी है तो थोड़ी और छोटी कर लो, इस तरह से ऐसे, है ना। ऐसे करके ऐसे ये सारी लग गई। अब हम इसमें बिछाएंगे एक, जो अगर आपके पास मच्छरदानी है ना, तो वो आप ले सकते हो, जो हम मच्छरदानी लगाते हैं। मैं आप सुन बता रही हूँ आपको, मच्छरदानी लगा सकते हो, या आप जो ग्रीन नेट यूज़ करते हो और आपकी नेट फट गई हो, है ना, तो वो लगा सकते हो। तो देखो भैया, मैं तो हूँ कंजूस, मैं तो ग्रीन नेट लगाती नहीं हूँ, मैं इतनी गार्डनिंग कर रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत है। मेरे पतिदेव इसके लिए भी हंगामा काटते रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो मैं ये जो सब्जी वाले जो बेचते नहीं है सब्जी, आपने देखा होगा कहीं, तो अगर सब्जी वाले आपकी कॉलोनी में बेचने आए या आप लेने जाओ सब्जी के लिए, तो अभी खुला हुआ है ना, तो आप इस तरह से ये ऐसे बिछा दो, है ना, ये ऐसे बिछा दिया इस तरह से। अब इस पे डालेंगे हम मिट्टी, क्या डालेंगे, मिट्टी इसमें हम डालेंगे। इस तरह से मैंने अपने प्लांटर बहुत रेडी किए थे पिछले साल, उसमें बालसम लगाया था और इतनी बहुत अच्छा चला था बालसम। तो अब इसमें हम डालेंगे मिट्टी, मैं मिट्टी आपको थोड़ी लेकर के आती हूँ, दिखाती हूँ आपको डाल के, है ना। अब इस मिट्टी में हम इसमें थोड़ी खाद भी मिलाएंगे, ये गोबर की खाद, ऐसे। आज मौसम थोड़ा वैसा हो रहा है, बारिश भी होने बताइए, गूगल पे सर्च किया तो मैंने सोचा चलो ये काम भी मैं कर दूँ, कई दिनों का पेंडिंग पड़ा हुआ ये काम है। इस तरह से ये हम गोबर खाद मिक्स वाली मिट्टी हम इसमें डाल देंगे। ये इस तरह के मैंने इसमें ये तीन डाले हैं, अब तीन लगा लो, 2 किलो मिट्टी है, 3 किलो मिट्टी होगी इतनी है। और ये गोबर खाद, अब इसमें आप चाहो तो कोई भी प्लांट लगा दो,
इस तरह से आप इसमें प्लांट लगा दोगे। तो अब इसकी जो जो जाली है ना, ये जाली, इसमें से प्लांट की रूट नीचे पहुंचती हैं, इसके नीचे जाएंगी और न्यूट्रिएंट इन प्लांटर से ले, जो जो इसमें हमने जो गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट डाला है उससे न्यूट्रिएंट लगी और ये मिट्टी ऊपर की ऊपर ही रहेगी। थोड़ी बहुत ही जाएगी बारिश की वजह से, या हम पानी लगाएंगे तो नेचुरल सी बात है, मगर फिर भी हम इतनी कम मिट्टी में बहुत अच्छे से प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और मेरा बालसम आप बिलीव नहीं करोगे, इतना बड़ा हुआ था, इतना बड़ा इस दीवार के सहारे इतना बड़ा हो गया था मेरा बालसम, नीचे से लगा इतना बड़ा हुआ था और इतनी फ्लावरिंग होती है उस बालसम में, बहुत ज़्यादा। मैं इसमें बालसम ही लगाती हूँ और फिर मैं इसका अपडेट भी दूंगी आपको, है ना फ्रेंड्स। मेरा प्लांट लगाने के ये आइडिया अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन भी दबाओ जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे, है ना फ्रेंड्स। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो। और इस तरह से आप इसमें ये बेस्ट डिकम्पोजर का पानी डाल देंगे। अगर आपके पास बेस्ट डिकम्पोजर नहीं है तो आप इसमें सरसों की खली का जो लिक्विड फर्टिलाइजर है वो भी आप डाल दो। इससे ये होगा क्या, इसे सपोर्ट भी मिलेगा, अभी न्यू प्लांट है ना तो इसे थोड़ा सा रेस्ट भी मिलेगा। तो हमेशा प्लांट को आप शाम को ही रिपोर्ट करो, है ना, कहीं भी अगर मैंने तो इसमें लगाया है, ये बालसम ही लगाया है तो रात शाम को लगाया और मौसम अच्छा है, रात की बारिश भी बताइए तो कल फिर बारिश रहेगी तो बादल भी रहेगा तो ठंडा मौसम रहेगा, है ना फ्रेंड्स। इस तरह से प्लांट्स लगाओ, मिट्टी भी कम लगे, प्लांटर ना हो तो गमले भी कम ना हो तो भी चलेगा, छत पे वजन भी कम होगा, है ना। नई जानकारी के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।